नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। जैसा कि थंबनेल आपने आपने देखा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि शिक्षकों में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो चुका है। क्यों, मैं इसके बारे में ये टोटल वीडियो में बात करना हूं। कहा जाता है कि जब तक ले शिक्षा विभाग में किसी कार्य के लिए आपके चप्पल न घिस जाए तब तक ले आपका कार्य नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं भी हो, अगर आपके चप्पल भी घिस जाएगा तो नहीं भी हो। लेकिन फिलहाल के दिनों में ऐसा लग रहा था कि जो भी शिक्षकों का काम है या शिक्षा विभाग में कार्य है वो सुधर कर पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इस सुधार भरी पटरी पर लाने के क्रम में इसके पीछे जितना भी घोटाला हुआ है वो दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है और बहुत सारे अधिकारियों की कार्रवाई भी हो रही है। इसी क्रम में बात करना चाहूं कि फिलहाल ही अभी पटना के डीपीओ है या और जिलों के डीपीओ हैं जिन्हें निलंबित किया जा रहा है इसी क्रम में, भ्रष्टाचार के क्रम में, कि बहुत बड़ा घोटालाबाज हुआ है या जो भी हुआ है इसके क्रम में उन पर कार्रवाई भी हो रही है। शिक्षा विभाग के ऐसा विभाग है कि जहां पर जाने से पहले सबसे पहले लोग देखते हैं कि मेरे जेब में कुछ पैसे है कि नहीं, ऐसा बन गया था सिचुएशन। लेकिन फिलहाल के दिन में इसमें सुधार की गुंजाइश लोगों के नजर में आ रही थी लेकिन ऐसा कुछ अभी फिलहाल हुआ नहीं है। पटना से प्रधान सचिव कितना ही अच्छे हो, वहां से दिशा निर्देश भले ही अच्छे अच्छे आ रहे हो, कार्य अच्छे से हो रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखा जाए तो वहां पर बिल्कुल वो धरातल पर सही ढंग से उतरता नहीं है, जिसके चलते जनता में एक तरह से अविश्वास जो है वो बना रहता है और खासकर शिक्षक वर्ग जो है बहुत ही परेशान रहते हैं। चाहे वो एचआरए के भुगतान के लेकर हो या एरियर के भुगतान लेकर हो या वेतन भुगतान के लेकर हो, पटना से आदेश तो ठीक आता है कि नहीं सही समय पर सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आला अधिकारी है उसे लेट लतीफ कर कुछ पैसे ऐंठने के क्रम में ये कार्य करते रहते हैं, जिसके चलते शिक्षकों को बहुत बड़ा परेशानी उठाना पड़ता है और उनके मन में शिक्षा के जो अधिकारी हैं या शिक्षा के जो कर्मचारी हैं उनके प्रति वो सौहार्द का भाव नहीं बन पाता है। शिक्षा विभाग तो शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि सारे जो कार्य है वो टाइम पर हो जाए और सबकी सुव्यवस्थित से किया जाए। अगर एक दिन आप लेट लपटी करते हैं तो आपका वेतन कट जाएगा, आप पर ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी गलत तरीका अपनाते हैं या शिक्षकों के हर काम में बाधा डालते हैं, उनके कार्य को शिक्षकों की हर समस्या सुनवाई नहीं की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई करने की कभी बात जल्दी नहीं हो। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अभी फिलहाल की घटना मैं आपको बता रहा हूं, बीपीएससी शिक्षक से जो बहाल हुए हैं TRE1 के, उनके बारे में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। क्योंकि कल सुबह से ही ट्रेंड चल रहा था एस सिद्धार्थ सर के प्रति, वहां पर ट्विटर पर लिखा जा रहा था कि शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों के साथ घोर अन्याय कर रहा है, खासकर TRE1 के साथ घोर अन्याय हो रहा है, इसके बारे में ट्रेंड का। और बहुत सारे SMS मेरे पास आया जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जुलाई महीना में बहुत सारे शिक्षकों के, बहुत सारे कर्मचारियों का जो होता है, राज्य कर्मचारी जो होते हैं उनका एक इंक्रीमेंट लगता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, या सहायक शिक्षक हो, या अन्य कर्मचारी हो, 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लगता है या 1 जनवरी का लगता है। साल में 2 इंक्रीमेंट लगने का नियम है, एक है 1 जनवरी को और एक होता है 1 जुलाई को। अगर आप जिस क्रम में आपने जब ज्वाइन किया है उस क्रम से 6 महीना बीतने के बाद जो आपका, चाहे 1 जनवरी आ जाए या 1 जुलाई है, वहां से आपका एक पहला इंक्रीमेंट शुरू होता है, जो कि सर्विस में आपकी जो वेतन है उसमें 1 इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की जाती है, जिसके बेसिक सैलरी में 1 इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी पूरी सैलरी बनाई जाती है। बीपीएससी शिक्षक जो TRE1 के हैं उन्होंने नवंबर में ज्वाइन किया था और उनका पहला इंक्रीमेंट जुलाई में बढ़ना था, क्योंकि HRA में स्पष्ट शो भी कर रहा था कि 1 जुलाई की आपकी पहली इंक्रीमेंट लगेगी, ऐसा शो डाटा सब कुछ शो कर रहा था। लेकिन जब जुलाई का वेतन भुगतान हुआ तो उसमें बीपीएससी शिक्षकों का जो TRE1 से है, यानी बीपीएससी TRE1 से है, उन शिक्षकों का वेतन भुगतान इंक्रीमेंट के साथ नहीं किया गया, जो पुराना वेतन था वही किया गया। जबकि लेट लतीफ से कहा जाता था कि टाइम से वेतन भुगतान होगा, लेकिन टाइम से भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। लगभग अभी कल यानी 6 तारीख से लगभग वेतन भुगतान बहुत सारे जिले में हुआ। यहां पर असमंजस की स्थिति ये बन गई है दोस्तों कि बहुत सारे जिलों में एक तो इंक्रीमेंट के बाद भुगतान नहीं किया, यानी इंक्रीमेंट लगाकर भुगतान नहीं किया, ऊपर से वहां के अधिकारी जवाब क्या दे रहे हैं कि आपका अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा, जबकि और सारे जिलों में इंक्रीमेंट लग चुका है। अर्थात बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो कि बीपीएससी शिक्षक से जो TRE1 के हैं वहां पर 1 इंक्रीमेंट लगाकर उनका भुगतान हो चुका है और बहुत सारे जिलों में इनका भुगतान नहीं किया गया। यहां पर साफ दृष्टि होती है कि पटना से सख्त आदेश है कि आप नियम के तहत वेतन का भुगतान कीजिए, लेकिन यहां पर जो जिला स्तर पर है उस वेतन को, जिला स्तर पर है, इसे सही तरीके से व्यवस्थित भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे साफ
इससे इससे तो यही प्रतीक होता है कि किसी न किसी कारण से आप उनके वेतन में कटौती करें और फिर उसे एरियर के रूप में बाद में भुगतान करने की बात कही जाए। और जब एरियर के भुगतान करने की बात जहां आती है शिक्षा विभाग से यानी शिक्षा अधिकारियों से, तो शिक्षकों का रूह कांप जाता है, क्योंकि एरियर भुगतान के लिए सीधे तौर पर अपनी जेब टटोलने लगते हैं कि बिना पैसे का काम बनता नहीं है। ऐसा पहले मानसिकता बन चुका है जिसके चलते एक शिक्षकों के भय होता है। फिलहाल के दिनों में एक सुधार की प्रक्रिया चली थी, अब कितना सुधार हुआ है आने वाले समय में ही देखना, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि जितने भी एरिया और एचआरए भुगतान हुआ है उसे सही ढंग से भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन ये क्रम निकलने के बाद जब तक ले शिक्षा विभाग जिला लेवल के अधिकारियों का वेतन बंद नहीं करता, तब तक ले एरियर भुगतान हो या किसी प्रकार का बकाया भुगतान वो जल्दी नहीं किया जाता है, यही मानसिकता देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल के दिनों में हमारे नए नए एसीएस आए हुए हैं, तो उनके कार्यशैली से उनके कार्यशैली पर लोगों को विश्वास एक बना हुआ है कि जो भी शिक्षकों का लेट लतीफ वेतन भुगतान हो या एरियर भुगतान हो या एचआरए भुगतान हो उसमें सुधार की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन यहाँ बीपीएससी टीआरई 1 के मन में एक असमंजस बना हुआ है कि बहुत सारे जिलों में वेतन भुगतान हो चुका है जो कि इंक्रीमेंट लगाकर, लेकिन बहुत सारे जिलों में नहीं हुआ है। लेकिन इसका जवाब अधिकारियों से मांगा जा रहा है तो वो अनजान की तरह दे रहे हैं, जबकि ये सही होना चाहिए। जब 6 महीना उनकी सर्विस को हो चुका है तो पहला इंक्रीमेंट उनको लगना चाहिए और इंक्रीमेंट लगाकर वेतन भुगतान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो अधिकारी का ये जवाब होना चाहिए कि अगले महीना लग जाएगा या आपका इंक्रीमेंट एरियर के रूप में भुगतान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जवाब जो है अजीबोगरीब दिया जा रहा है, जिसके चलते बीपीएससी शिक्षकों मन में असमंजस बना हुआ है और एस सिद्धार्थ को वे ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं बीपीएससी शिक्षकों से जो टीआरई 1 के उनसे निवेदन करूंगा कि अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधे तौर पर जो व्हाट्सएप नंबर है शिक्षा विभाग का वहां पर आप सीधे तौर पर कंप्लेन कीजिए, या जो जनता दरबार लगाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग में शुरुआत की उस जनता दरबार में अपनी आवेदन सबमिट कराए, ताकि उस आवेदन को सबमिट होने के बाद वो सीधे पटना जो ऑफिस है यानी सचिवालय है उसके निर्देश में आता है और उसका निदान किया जाए। लेकिन अंतिम निष्कर्ष है कि बीपीएससी टीआरई 1 के जो भी शिक्षक है उन पर पहला इंक्रीमेंट लगना चाहिए, तभी जो टीआरई 2 है उनका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि 6 माह इनका सर्विस हो चुका है। जबकि आप नियमावली को देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर आप गूगल पर भी जाइएगा तो इस नियम में लिखा हुआ है कि एक किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने के बाद अगर आपका 6 माह हो जाता है तो आने वाले 1 जनवरी हो या 1 जुलाई हो वहां पर पहला इंक्रीमेंट की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों को सबके जय हिंद।